शराबबंदी के कारण मर्डर और हत्या बलात्कार की घटना बढ़ी। अब तो दारू 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 से तबाह है। क्या इसमें डीएसपी इन्वॉल्व नहीं है, इंस्पेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, क्या बड़े पदाधिकारी इन्वॉल्व नहीं है? इन माफियाओं को जो ढूंढ के जो पुलिस मारेगा उसको हम 1-1 लाख इनाम देंगे। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव दरभंगा में खूब गर्जे, खूब गुस्से में दिखाई दे रहे हैं पप्पू यादव। उन्होंने कहा है कि शराब बंद होने की वजह से लोग दूसरा नशा कर रहे हैं और जिस नशा के कारण वो मरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और नशे के कारण आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हुए भी दिख रहे हैं। साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लोग नशे की हालात में पुलिस कर्मचारियों को भी दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। आइए सुनाते हैं आपको और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। घटना और पूरा का पूरा मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूँ भाई, उसमें कोई बहस नहीं है। ये दारू की पूरा बिजनेस, इससे बड़ा इकोनॉमी, इससे बड़ा सरकार का में जो बजट की क्षति हुई है, इससे बड़ा जो माफियाओं को नेताओं को पूरा हाजीपुर में या मुजफ्फरपुर में बिना नेता के या बिना ऊपर से नीचे, क्या इसमें डीएसपी इन्वॉल्व नहीं है, इंस्पेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, क्या बड़े पदाधिकारी इन्वॉल्व नहीं है, क्या नेता इन्वॉल्व नहीं है? सिर्फ अरुण, जैसे वरुण गोस्वामी यहाँ थाना प्रभारी है, वरुण गोस्वामी की सिर्फ संपत्ति की जांच कर ली जाए, पता चल जाएगा कि कितने पैसे। अब जिस तरीके से यदि वरुण गोस्वामी एक्टिव होते लगातार, जो इनके पिताजी का नाम चौक प्रमोद पासवान को जिस तरीके, तो 2 मिनट के अंदर हमको खबर मिली, चुनमुंज हमारे पार्टी के सारे लोग वहाँ पहुँचे। हमने तो कहा बचाओ, तो बोला बचने का कहा, तो डेथ करके आया यहाँ जिस तरीके से। और ये राजा कामा, दीपक ठाकुर, आनंद कुमार, सुमित और सलमान, अब इन लोगों को, हमको तो लगता है इन लोगों को जिंदा रहने का राइट क्या है, इन लोगों को तो ढूंढ के मार देना चाहिए। ढूंढ के इन माफियाओं को जो ढूंढ के जो पुलिस मारेगा उसको हम 1-1 लाख इनाम देंगे। ये समाज के लिए 6 बजे बंद हो जाता है यह इलाका, ना बेटी निकलती है, ना माँ निकलती है, ना बहन निकलती है डर से। और अब तो 3-3 चौकीदार को उस दिन मारने का टारगेट था, कोई एक नहीं। 1 लाख का इनाम किसको देंगे? जो ये जो लो जो इसको मारे मारे ना कर, इससे पहले पत्रकारों पे भी हमला हुआ है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये इलाका है, इतनी बड़ी घटना घट गई, अभी तक वरुण गोस्वामी थाना में कैसे है? और चौकीदार दफेदार को ही टारगेट किया जा रहा है लगातार, सरकार के द्वारा भी और अपराधी के द्वारा भी। क्या दारू पकड़ना सिर्फ चौकीदार और दफेदार की जिम्मेदारी है? शिक्षा की व्यवस्था, उनके बेटा राहुल पासवान ये चौकीदार है, इसको टारगेट मार देने का धमकी मिल रही है और इसको सुरक्षा की व्यवस्था नहीं दी गई। जिस दिन इनके पिताजी की हत्या हुई उस दिन, एक दिन बाद सरस्वती पूजा में इनका चलान काट दिया कहीं जा करके ड्यूटी करने का, वरुण पर ये अब वरुण गोस्वामी भाई क्या मीनिंग है इसका? जिसके घर में पिता का डेथ हो और उसको आप काट दीजिए, इसका मतलब है कि आप खोनामेज में आप फंसे, आप साजिश कर रहे हैं थाना में बैठ के, मरवाना चाहते हैं सारे चौकीदार दफेदार को। लगातार चौकीदार दफेदार को और थाना के द्वारा चौकीदार दफेदार को भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा सर, आप घटना जो घटित हुई हाजीपुर में, थाना प्रभारी का कहना था तुम भी इन्वॉल्व हो। चौकीदार पासवान तब इन्वॉल्व होता है जब थाना इंटरेस्ट लेता है कि नहीं तुम भी इन्वॉल्व हो, ये स्थिति है। क्या मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह विफल है? सर इसमें कौन बहस है, सरकार हमारी हो या बाप हमारा हो, मैं इतना जानता हूं कि शराबबंदी के कारण सोसाइटी के यूथ सबसे ज्यादा ड्रग्स के नशा के सेवन कर चुके, इससे बड़ा दुख है। दूसरी चीज, शराबबंदी के कारण मर्डर और हत्या और बलात्कार की घटना बढ़ी। नशा में हम किसकी बहन को छेड़ देंगे,
किसके घर में डूब जाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। इतनी घटना जो बड़ी है उसमें नशा का सबसे बड़ा कारण, किसी को पता तक नहीं चलता है कि हमारी बहन है नहीं, हम कुछ भी कर बैठते हैं। गांव में या शहर में शराब जो 100 रुपये में मिलता था अब वो 500 रुपये में 400 रुपये में मिलता है। एक व्यक्ति के जिम्मा से 400 रुपये आप ले रहे हैं। जो घर में पीने वाले लोग हैं एक भी जेल में नहीं है। खास आदमी जेल कहां जा रहा है? 1% भी नहीं जा रहा है। हमारे घर से भी जेल भी मरे भी पैसा भी गया, कोर्ट में भी पैसा गया। दरोगा ही एक चौकीदार को उसको उठा पटक पटक इतना मारा उनको, सिर्फ उसने सोनू राय एक दारू माफिया था उसके खिलाफ लगातार वो कह रहे थे वो दारू डंप करता है। उसको समझिए कि वो बच गया, यही बहुत है। कोई केस एसटी एससी थाना भी केस नहीं लिया और उल्टे ही गाली दे रहा है और पूरा का पूरा थाना प्रभारी धमकी दे रहा है सभी चौकीदार से। माँ बहन बेटी रोटी सब, परसों दारू माफिया दौरा के पुलिस को पीटा आराम दौरा। दरभंगा बिहार का सबसे बड़ा, दरभंगा मुजफ्फरपुर दारू कार्ड और हाजीपुर डंप इलाका सबसे बड़ा। यदि पूरे भारत से दारू सबसे ज्यादा कहीं डंप होता है बिहार में, कोसी सीमांचल मिथिलांचल का जो ये पार्ट है गंगा के इस पार, उसमें मुजफ्फरपुर हाजीपुर और दरभंगा, ये तीन, उस तीनों में सबसे ज्यादा दरभंगा, जिसके बारे में पहले भी हम मुजफ्फरपुर के कई लोगों के बारे में पहले कह चुके हैं। और ये पता नहीं मुख्यमंत्री जी से मैंने कई बार कहा कि आप दारू यदि एकदम टारगेटेड है, दारू अब तो हमको लगता है कि भगवान की पूजा छोड़ देनी चाहिए, दारू की पूजा शुरू करनी चाहिए। यदि जान बचाना हो तो दारू आ दारू पी दारू खा दारू चल दारू, मतलब दारू 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 दारू। पहले तो हम बाभन भूमिहार राजपूत तेली सौ पासवान यादव ये सब सुनते थे, तबाह थे इससे। बाद में हिंदू मियाँ सुनने लगे जो बगल में बैठा है तो उससे तबाह हुए। अब तो दारू 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 से तबाह है हम हर दिन। कल हम कहीं और थे, आज कहीं और हैं, सुबह कहीं और हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे लोगों को मारने वालों को मैं इनाम दूंगा लाख लाख रुपए की। इस तरह की घटनाएं जो शराब बंद होने की वजह से हो रही है, लोग दूसरी नशा कर रहे हैं, शराबबंदी की वजह से लोग दूसरी नशा कर रहे हैं और जिसकी वजह से लोग मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दरभंगा मुजफ्फरपुर और हाजीपुर शराब का बहुत बड़ा अड्डा है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।